हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भास्कर के शानदार आयोजन में आप लोगों की जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। वाह भैया, वो जो लोग जा रहे थे चले गए ना? हाँ, काम का गोल ब्लैडर फट जाए क्या फायदा। सुदीप ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया। सच में कवि सम्मेलन तो वहीं खत्म हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शानदार गीत के लिए मैं बधाई देता हूँ। एक बार तालियां बजा दे। हाँ, हाँ। अच्छी कविता यार, जो बात है वो। और ये बावड़ा बावरा, हरियाणा में बावड़ा कहे हैं। कह रहा था कि महिलाएं जो है जब गर्भवती होती हैं तो सुंदर बच्चे की तस्वीर रखती हैं ताकि बच्चा ऐसा हो। शंभू शिखर बहुत अच्छा। तेरी मां ने तो भैरव बाबा की तस्वीर रख रखी होगी। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कवि है, बहुत बढ़िया कवि है। आज यूपी चुनाव परिणाम की बहुत बात हुई तो मुझे कुछ बात याद आ गई। जिस दिन यूपी के चुनाव परिणाम आए थे उस दिन मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन किया। मुलायम सिंह जी के भाषण आपने टीवी पे तो सुने ही होंगे। हमारे कवि मित्र हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले मुलायम जी कह रहे थे मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया कि तो हाल लौंड है ना, हमारी लौंड है क्या फट्टा लगा दिया। कुल मिला के ये चुनाव परिणाम था। अच्छा, एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चलें या कोई और बहाना बच रहा है। अच्छा। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। अच्छा, मोदी जी ने भी खूब भाषण किए साहब, कमाल, हर वक्त भाषण के मूड में ही रहते हैं वो। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 5 साल भी जोड़ लेते हैं। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। अरे क्या बात है, राजनीतिक बातें ज्यादा नहीं करूंगा, वो दरअसल बहुत सारों ने करी इसलिए ध्यान आ गया बस। आज ही परीक्षा पे बोला है उन्होंने। वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं साहब। अभी इमरान खान जीता जी, वो पाकिस्तान में बड़ा फास्ट बॉलर है, बहुत तेज फेंकता है, हमारे वाले से तेज फेंक लेगा। कोई नहीं है जी। अच्छा, वो तो सिर्फ फास्ट ही फेंकता है, हमारा तो लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, गुगली और जो यू टर्न गेंद है साहब वो तो ऐसी है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है। तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजा दिया। ये सम्मान की है। बस ये है कि मैं आखिरी हूं, इसके बाद मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो जो ऊर्जा आपने सब कवियों को दिया वो मुझे भी दे देना बस। जिक्र कर रहे थे ये कि रामदेव हरियाणा में, दरअसल राम रहीम भी हरियाणा का है। और मैं राम रहीम का बहुत आभारी हूं। कारण यह कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बताओ आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता। जगदीश जी आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं। एक और बाबा हरियाणा के रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए, अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था, मैं टीवी पर दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं।
एक और बाबा हरियाणा के रामदेव बता, वैसे बाबा क्या कहो, उन्हें तो लाला रामदेव कहो। हाँ जी, वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। तो हमारे बाबाओं का अलग मामला। दरअसल क्या है, हरियाणा में साधु अलग तरह के हैं। वो हरियाणा में सात साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धूनी रमा रखी, चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं हूं पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। तो हमारे यहां तो बाबा सारे चटाई वाले हैं जी। दरअसल क्या है, हम बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा होगा ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरी कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो हास्य रस है ये हमारे स्वभाव में है। कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है जी। वो एक नगर रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खा ली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए, बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं हम जगह को पास बुला लेते हैं, बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से धुना पीटा उसे, जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया, है बोले अब क्यों खड़ा है जा, बोले इसी भाव एक किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी। एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह वाह अरुण भैया, आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, यह आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछते। वाह अरुण भैया। और ये हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं साहब, इस तरह की आयोजन बहुत जरूरी है। लोग आपस में मिले तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है जी। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है जो मन में वह जबान पे है। हम आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के, तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है, खूब जानू हूं गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं करनेल काने का छोरा है यो, एक नंबर का ईयाश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैंबर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छा, इतना साफ मामला है जी। बहुत अच्छा। अरे डॉक्टर साहब आप यहां डॉक्टरी कर रहे हो यही ठीक है, हरियाणा में तो कर नहीं सकते क्योंकि मरीज मारी ऐसी बतावेगा। तो डॉक्टर साहब काल दे में कुछ धुम्मा सा उठा है, अब समझ लो क्या बीमारी है भाई। अच्छा वहां डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई, बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई, बोले ओहो तुम्हारी तो जीन सी रंग छोड़ती है।
नहीं एक बार मिलके बजा दो भाई, क्या बात है, संवेद में बहुत अच्छा अरुण भैया, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा बड़ा घुमा के इलाज करते हैं जी, हमारे यहाँ डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या क्या जी, उसकी तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है सर। बस आज के कवि सम्मेलन में एक ही कमी रही जी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आज श्रृंगार रस नहीं हुआ आज बिल्कुल भी। कवित्री भी आपने वीर रस वाली बुला ली, तो श्रृंगार रस तो आज कहीं दूर दूर तक नहीं था। और हरियाणा के आदमी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्यार ब्याह के बाद होता है ना जी भाई। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं, तो हमारा प्रेम बड़ा मुश्किल है। अच्छा लेकिन हमारे प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। कुरकुरा? अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है एवरेज, अभी भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी, पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है, छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं सर, ये तकलीफ है हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। तो हमारे प्रेम का मामला ऐसा ही है। मेरा भी एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। जब ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। कहां तक याद रखेगा आदमी भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। बहुत अच्छा। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। अब तो मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। यहां से रिप्लाई, वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। वाह 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 वाह। तो वो प्रेम तो रहा नहीं जी। दरअसल समय का मुझे भी ध्यान रखना है क्योंकि 11:30 बजे खत्म होने का टाइम था। टाइम क्या हो गया? 11:30 हो गए। तो बस एक कविता आपको सुनाता हूं अंत में, और अपनी सबसे अच्छी कविता सुनाता हूं ताकि एक अच्छी कविता से स्वागत इस कार्यक्रम को हम अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करें। क्या कहने, अगले वर्ष का न्योता दिलवा दिया मैंने, ताली बजा दो एक बार। हाँ चीजों में कुछ चीजें, हाय हाय अच्छी, बातों में कुछ बातें वो होंगी
जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। हाय हाय क्या अच्छी कविता। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। ये आजकल के बच्चे टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं साहब, इन्हें बच्चा समझने की भूल करना भी नहीं चाहिए। कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं, फादर्स डे मदर्स डे, वो तो समझ में आता है, फिर भी वो 14 फरवरी आ रही है जी अभी, क्या बुखार चढ़ता है पूरे देश में। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। उसका गणित तो मजबूत हुआ है। अब वो नेहरू जी का जन्मदिन भूल गए वो अलग बात है। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए जी। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा वक्त बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, जरा बाहर जा बालकोनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकोनी में खड़ा है। तो ऐसे बिट्टू क्या करो भाई, दृष्टि है। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। वाह। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओ। वाह 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 अरुण भैया क्या कहने। और लड़कियों का दुपट्टा। इस बंद पर आपका मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयाई, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओ। वाह 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 वाह। और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद, दुर्घटनाओं से रहित साल, गुदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान और नक्शे में पाकिस्तान, ढूंढते रह जाओ। वाह 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 वाह। और नक्शे में पाकिस्तान। बस 2 मिनट की रह गई जी, क्यों 2 मिनट के लिए भी क्यों? बस आपको ही उठ के ना जाए, 2 मिनट और प्लीज। हाँ। 2 मिनट दे दीजिए बस, 2 मिनट, 1 मिनट की बल्कि। हाँ। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल काम है जी। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। वाह अच्छा व्यंग है। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओ। है।
और इसका आखिरी बंद आपके इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूं। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।